डॉक्टर साहब, आजकल एक और चीज चली हुई है किसानों को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्ञान दे रही है, जिसमें ये चीज भी कही जाती है कि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल घोल, हालांकि बहुत कामयाब है, नाम भी उनका खूब है, लेकिन किसानों को बनाने का थोड़ा तरीका और वो उसका रिजल्ट देखो इसमें तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल आपको ही पता ही होगा, शायद एडीओ ही थे और उन्होंने जितना काम किया है ये, मैं तो, हम खुद उनके मुरीद हैं जी। और मैं तो, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनके साथ 7 दिन लगाए हुए हैं जी। जब वो हमारा, मेरा सिलेक्शन हुआ ही था उधर, तो उस टाइम हमारी बेटी ट्रेनिंग थी, तो उन डॉक्टर साहब से मिलने का मौका मिला जी। और फिर दोबारा एक दिन मैंने 4-5 दिन और लगाए, उन्होंने किटों पे जितना काम किया है उतना तो शायद किसी कीट वैज्ञानिक ने नहीं किया होगा जी। और मित्र किटों की पहचान की है, पर बात ये है कि उसमें थोड़ा सा, जैसे ये दलाल घोल है उसमें डॉक्टर साहब ने DAP यूरिया इनका स्प्रे बताया जी, वो भी सही है, परंतु 13-0-45 का जो कम्बिनेशन है ना वो उससे बढ़िया है। मैं तो फार्मरों को यही सलाह दूंगा कि आप 13-0-45 कर दो, उसमें क्या है कि आपको कम ज़्यादा हो गया ना तो उसका थोड़ा भी, उसका नुकसान भी या फायदा, ये दोनों चीज़ें बीच बीच का कुछ हो जाएगा, तो आप 13-0-45 की ही करो। ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से भी रिकमेंडेड है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो बहुत पहले रिकमेंड किया हुआ था और ये साइंटिस्टों जो भी रिकमेंडेशन थी वो रिसर्च करके आती है। नो डाउट यदि किसी को, किसान भाई को उसके बारे में पूरा ज्ञान है तो वो भी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं। उन्होंने तो, मैंने आपको बोले, ये जितना काम मांसाहारी कीटों पर किया है, मांसाहारी कीट हमें उनको बोलते हैं जो हमारे शाकाहारी कीटों को खाते हैं, इनको हम मित्र कीट भी बोलते हैं, जैसे मकड़ी है हमारी, प्रेगमेंटिन्स है, और ये क्राइसोपरला है। देखो इस खेत में तो हमने वहाँ ऊपर वाले खेत में देख रहे थे भी 2-3-4 क्राइसोपरला मिले, मतलब ये जब बचे रहेंगे तो ही फसल बचेगी। ठीक।